मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जयारोग्य अस्पताल में फर्जी ब्लड डोनर गिरोह सक्रिय होने का मामला सामने आया है। बीती रात ब्लड बैंक के कर्मचारियों ने दो फर्जी डोनरों को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। बता दें कि कमला राजा में भर्ती 7 माह बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए 2 यूनिट ब्लड की जरूरत बताई। जब पिता कृष्ण कुमार ब्लड के लिए भटक रहे थे तब उनकी मुलाकात ब्लड डोनर अनिल तोमर से हुई। ब्लड डोनर अनिल तोमर ने 2 यूनिट ब्लड के बदले 6,000 रुपए की बच्ची के पिता से मांग की। इसके लिए बच्ची के पिता कृष्ण कुमार राजी हो गए। इसके तहत ही ब्लड डोनर अनिल तोमर अपने एक साथी छोटे सिंह को ब्लड डोनर करने के लिए ले आए। वहीं जब यह दोनों JAH स्थित ब्लड बैंक पहुंचे तब ब्लड बैंक के कर्मचारियों को दोनों पर शक हुआ और जब अस्पताल स्टाफ ने दोनों से सख्त कार्रवाई से पूछताछ की तो दोनों ने पैसे को लेकर ब्लड देना कबूल कर लिया, जिसके चलते JAH प्रबंधन ने दोनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया है। ग्वालियर से योगेश बिसरिया की रिपोर्ट।